हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस जुड्डा। तो अब बज गए सुबह के 8 और हम उठ गए हैं। थोड़ी लेट उठे हैं पर उठ गए हैं, और टीम पी गई है चाय बनाने के लिए जो कि अभी तक नहीं आई है, और मेरा पानी लेके आएगी। गर्म मैं गर्म पानी पीता हूँ और वह पीती है चाय। तो जैसे वह आ जाएगी मैं आपको दिखाता हूँ आगे का। तो गाइस, मेरे को 10-15 मिनट हो गए हैं उसकी वेट करते हुए, अभी तक नहीं आई है। तो चलो जाके देखते हैं क्या कर रही है। उसका ऐसा ही है, कहीं जाएगी ना, पता कुछ और काम करने लग जाती, शायद वो कुछ और ही कर रही होगी। तो ये देखो, मैंने सही कहा था आपको, मैं उड़ जा के वेट करना, थोड़ा पालन थोड़ा ना गई है। अरे ये पहले ऊपर ना रख दू, फिर अपने आप ही ऊपर बता दे देती हुआ मोड़ बाट देखना रहा हूं, मां आओगी आओगी। अरे तू हड़ पाले थोड़ा ना गई है। ब्लॉग की स्टार्ट हो गई, स्टार्ट तो कर दिया हम ब्लॉग सुबह उठते। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अब ये चाय लेके आएगी इसको तोड़ने के बाद, और मेरा गर्म पानी गला सूख गया वेट करके। हो गया हाफ पे करना था कि ले आऊंगी। ठीक है, जल्दी लेगा। तो भाई मैं आ गई हूँ गर्मा गर्म पानी लेके, और ये पानी देखो। मेरा तेरी चाय। मैं सुबह सुबह चाय लेती हूँ क्योंकि थोड़ी जो नींद है वो चाय से ही खुलती है, और ये पानी पी ताकि पेट में जो भी गंदगी सारी साफ हो जाए, नरा कचरा खा जाए। बस ज्ञानी। तो गाइस, ये मैंने कल शाम को कपड़े धोए थे और अब मैं इनको उतार लेती हूँ, ये सूख गए हैं। और एक चीज और दिखा देती हूँ आपको, ये देखो, ये आपको संदीप दिख रहा होगा, ये हमारा साइड में प्लाट है और इसको हम बना रहे हैं अभी। तो इसमें ये देखो पीछे वाले जो हैं गड्ढे, इनमें अभी पिलर लगेंगे, और कल सामने के दो पिलर लग गए हैं, एक ये और एक ये दो पिलर कल लगे हैं। और संदीप वहाँ काम करा रहा है, काम तो कुछ नहीं करा रहा है, टाइम पास कर रहा है। तो जैसे भी इस प्लाट में जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको दिखाती रहूँगी, और वो मम्मी है। तो भाई ये डिम्पी लेके आ गई खाना, हमारा खाने का टाइम हो गया है। और ये देखो भाई, यह बना दी रेस्टोरेंट की थाली ने। हाँ। जो तड़के पालक तोड़ थी उसका बना दिया रायता, और यह है लहसुन मिर्च की चटनी, और यो गेला सीत, और यो भाई मैं गुड़ खाया रूँ खाना खाने के बाद, ताकि भी गेला गेला खाना हजम हो जा। और यो आ गया नूनी घी, मेरे भी दर्द थे, सारा देखे खा जा। दर्द तो दिया, मैं इतनी बेईमान ना हूँ। तो भाई अब खाना खाते हैं। तो गाइस, आप लोगों को कुछ दिखाना है, ये देखो मैं एक रोटी और ले आई हूँ, क्योंकि जो ये खाना है ना, ये मेरा फेवरेट है, और मैं रोटी जो खाती हूँ इसके साथ सारी गरम गरम खाती हूँ। तो पहली रोटी खा ली, दूसरी फिर बना लाई हूँ। मतलब वो क्या कर रहा है ना, जब अपनी पसंद का खाना बन रहा हो तो एक रोटी फालतू खाई जाया कर, वो एक काम हो रहा है। और खाना नंबर मजा आ गया जी, काफी टाइम बाद खाया ना नूनी की, मजा आ गया। कसुत्ता, ये पार्थ हुड्डा आ गया स्कूल से अपनी दादी के साथ में। और भाई पार्थ आ गया स्कूल से, हैं क्या छुपा रहा तू हाथ में, दिखा ये देखो हाथ में क्या छुपा रहा है, ये दिखा 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 ना 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 दिखा 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 के ले रहे हो चिप्स। अच्छा रे, ये भाई जब भी स्कूल से आता है कुछ ना कुछ दादी के साथ लेके आता है, चिप्स हो या फ्रूटी हुई, दादी ले खाना था ना, दादी ले होगी तेरे तीन है तन नहीं खाना, फिर नमन दे, फिर ला दे, दे क्यों नहीं देगा, छीन लूंगा मैं। और भाई पार्थ को रखा जुकाम, तो डॉक्टर ने बोला इसको नेबुलाइजर लेने के लिए, ये देखिए रोज इसको देते हैं ये। और ये मैडम देखो अभी तक नहीं नहाली है, रोटी खा ली, काम कर ले, सारे घर पर नहाई नहीं है, और गुलदाने में टूट रही है। मीठा मीठा कितना खवा लो इसने, उतना ही कम, अब फिर मैं मोटी होगी, दो बजे लिए तो रात ना नहाओगी। अब भाई आप लोगों को मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये देखो इसने लगा ली है ब्लीच, और ये बचा रही है घर पे पैसे। ये लग रहा है मेरे को ब्यूटी पार्लर के जो है ना खुले होती दुकानें उनको बंद करवा के मानेगी, ये खुद ही घर पे कर लेती है। क्या कह रहा पार्थ, मम्मी का भूत बन गई। भूत क्या बन गई, पहले थी ना चुड़ैल लिया नहीं या नहीं थी, थी ना बस अभी एक चुड़ैल से भूत बन गई, बंदर भी थी, पूछ कहाँ गई की। ये जो है कल शादी में जाएगी मैडम, तो उसकी तैयारी कर रही है, जैसे भाई इसको दिखना वहाँ पे सब लोग किसी को देखेंगे तो फुल रेडी हो रही है। तो आप क्या कहने चाहोगे डिम्पी जी, कुछ कहने तो छोड़ा है ना तुमने दोनों ने, कुछ नहीं कहा छोड़ा, इतनी बेइज्जती पीट दी मेरी। अच्छा ठीक। तो गाइस ये देखो मैं नाके रेडी हो गया हूँ, और ये बज गए 4 अब, और ये देखो मैं पी रहा हूँ ब्लैक टी क्योंकि मैं चाय नहीं पीता हूँ, और डिम्पी मैडम ने बनाने से मना कर दिया, वो सिर्फ आप अपनी चाय बना के लेगी। सुबह मैंने चाय बना ली थी, अब मैं नहीं बनाऊंगी टी वगैरह, जो कुछ करना अपने आप कर ले। तो वो सिर्फ एक ही बार चाय बनाती है, वो भी अपने आप बनाती है, मेरी तो गर्म पानी लेके आती है, और ब्लैक टी मैं अपने आप बना रहा हूँ, ये देखो। हाँ के कहो थी तू, सारी सुनू थी मैं, के सुन थी सही कहूँ था, आप अपनी चाय बना के देखो, ये खुश की चाय, मेरी ब्लैक टी मैंने अपने आप बनाई है,
फिर इस तो रोटी कौन खवाऊगा, ठंडी नहीं हो जाएगी। अरे बस तू रहने दे, मैंने सफाई ना सुन, मेरे तो बात बना कर तू। तो गाइस संदीप चला गया है नीचे, वो देखो अपनी कॉफी लेकर। गाइस आप लोग मेरे को बताना कमेंट्स में कि अगर आदमी अपना कोई काम कर ले, पर्सनल काम, तो उसमें कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जो हैं घर का भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं और सारा भी देखती हैं। तो अगर एक आधा काम भी कर ले तो कोई दिक्कत वाली बात वही मन तो लगती नहीं। अरे इसने कुछ काम ना नीचे खड़ा रहेगा दादा बन के, देखो पूरे स्टाइल मारे है, पूरे स्टाइल बेरा इसने वीडियो बनाने लग रही है। और ये इधर वही जो उधर वाले पीछे के दो पिलर हैं वो खड़े कर दिए हैं, उनमें अभी मसाला डलेगा, मसाला बनने लग रहा है दो पिलरों का। यहाँ इधर ये पिलर भरने का काम स्टार्ट हो गया है, तसले पर तसले भर भर के जाने लग रहे हैं। और वो देखो पार्थ, वो संदीप बैठे कत्ती भरता ठाली होगा न, तो सारा काम ये देख रहे हो, खाली हुए बैठे हैं, रियाड़ काम चल रहा है। ये देखिए भाई ये रेडी हो रही है, तो हमें कहीं शादी में जाना था आज, तो थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि इसकी वजह से, ये इतना टाइम लगाती है। देखो ऊपर घुर्रे का डैप आज, घुर्रे घुर्रा हुआ देखी तने, देख देख ऊपर घुर्रा हुआ है, हाँ ये घुर्रा होती आख्या देख रही तू, सब समझा मैं, क्यों गुस्सा हो रहा है तू? अरे मम्मी की वजह से गुस्सा है क्या है? मैं घड़ी पहन के जाऊंगा, स्मार्ट वॉच दे दे भाई, इसकी घड़ी छोरेगी, चार्जिंग ना उसमें। जैसे ये रेडी हो जाएगी तो हम चलते हैं यहाँ से, जल्दी कर भाई लेट होना रहे हैं। बाल तो साइज मटे से हो रहे हैं या तैयार हो ली, देखो देखो ही बाल काना मैंने ओहो, तो घंटा और लगाओगी बताए। चलो भाई मिलते हैं आपको जैसे रेडी हो जाएगी तो। तो गाइज आप लोग सोच रहे होगे कि हमने ये व्लॉग क्यों बनाया है, तो ये व्लॉग हमने इसलिए बनाया क्योंकि ना यूट्यूब वालों ने हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, परेशानी दिमाग खराब कर रखा है, मन करे चैनल डिलीट कर दो ठाकने, धमकी देवे तो यूट्यूब वाला ने, या तुम्हारी वीडियो चला दो या चैनल डिलीट कर दो ठाकने। जो बकवास वीडियो बना हुआ ना उनकी तो मिलियन में वीडियो पहुंचा दो, और माजिस्टर की जो मेहनत करे 1000 व्यू 500 व्यू 2000 व्यू कोई मतलब है? फैक्ट है ये तो है भाई, जिसकी कभी बकवास वीडियो है ना उसके पे मिलियन में व्यूज आवे, हमारे जिसे इतनी मेहनत करा है, एडिटिंग करा है, सब कुछ करा है, हमारी वीडियो नहीं चलती। तो ये संदीप हो गया है नाराज, ये देखो। तो भाई शादी में जाके मिलते हैं आपसे। गए हैं और ये संदीप जा रहा है आगे आगे, सुनी नहीं रहा। ये देखो भाई कैसे बैठी हुई ठंड में, राजस्थानी सा पहन के फ्राक सा बन रही आप में। और ये जो है भाई मेरी बड़ी सिस्टर है, इनके रिलेशन में शादी है ये, तो हम यहाँ पे आए हुए हैं आज। और पार्थ बुड्ढा क्या कर रहा भाई? पार्थ को भूख लगी भाई, पार्थ बेचारा भूख लग रही है, अभी आए नहीं है, अभी बारात वगैरह तो वेट कर रहे हैं पार्थ। उसके बाद तो इनको देख देख के पार्थ को भूख लग रही है, पर बेचारा खा कुछ नहीं रहा है, बैठा हुआ ऐसे ही है ना पार्थ। खाएगा क्या खाएगा? जो आप दोगे इतना सीधा कैमरे के सामने आएंगे बस, हम तो पानी पियाऊंगे तने खाली, पानी छोड़ के पानी छोड़ के चलो फिर दूध पिला देंगे, दूध भी छोड़ के पानी छोड़ के। और ये लग गए भाई मीठा खाने, पार्थ और पार्थ की मम्मी दबा दब खा रहे मीठा। ये देखो मैंने कुछ नहीं खाया, मैं वीडियो बनाने में लगा हुआ हूँ ना, ना खा खा तू ही खा बस बस, खवा दिया था ना मेरे तय, मैं पहले इन तय लेकर आऊँ फिर इन्हें खवाऊँ फिर वीडियो बनाऊँ फिर जाके मेरा नंबर आओगा। गाइस आप चम्मच देख के आइडिया लगा सकते हैं, चम्मच उस मेहमान खाया तो कोई ना खाऊं या पीछे चढ़े खाऊं। ओ भैया भीड़ होगी पूरी, पब्लिक आ चुकी है। और डिम्पी मैडम का अभी तक खाना पूरा नहीं हुआ है, ये देखो आइसक्रीम खाना लग रही है, चौथी पांचवी आइसक्रीम होगी इसकी, या मैं वीडियो बनाए जाऊँ या खाना खाया जाए। तो भाई मैं आपको यहाँ की वाटिका दिखा देता हूँ चारों तरफ कैमरा घुमा के, तो ये देखिए यहाँ पे पब्लिक डांस भी कर रही है, और ये टीम की मैडम जब चलेगी तब हम यहाँ से निकलेंगे। ये देखो पार्क कहाँ घूम रहा है, वही पार्क वो गया वहाँ से और वहाँ से आएगा, दिखाता हूँ घूम रहा पार्क, ये रहा क्या कहाँ घूम रहा है भाई, तो गाइस हम निकल लिए हैं घर की तरफ क्योंकि काफी लेट हो गए थे, और पापा से बारात मेरे को आने गया
इसलिए पापा वापस घर जा रहे हैं। खोल दी है इसने संदीप की पोल। तो बेटा बारात तो लेट आएगी तो कितनी देर रुकेंगे? लेट का चक्कर नहीं है, बारात तो आने वाली थी पर बिग बॉस देखने के चक्कर में अभी। हाँ ऐसा कुछ ना है। अभी तो रूस रहा था। अरे तो आज तो वीडियो बना लूं। योके था नेक्स्ट में देखी। अभी मुझे बताओ क्या दिखा था? अभी मुझे शादी की बारात दिखी थी। हाँ जी ये तो बेटा नरी बारात आ रही है, सारी बारात थोड़ी ना की वहीं पे जाएंगी। तो गाइस अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।